छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जिले के सोनाखान प्रवास में रहे, जहां शहीद वीर नारायण की स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित दी, साथ ही सभा स्थल को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, शिव कुमार डहरिया, अनिल भेड़िया, प्रेम साय सिंह टेकाम के अलावा संसदीय सचिव शकुंतला साहू और चंद्रदेव राय मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल आज शहीद वीर नारायण सिंह के कर्म भूमि एवं जन्म भूमि सोनाखान पहुंचे और शहादत दिवस के अवसर पर शहीद की समाधि जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्धारित समय से 50 मिनट देरी से पहुंचे, लेकिन सोनाखान में लोगों की भीड़ हजारों की संख्या में थी, जो सीएम के आने तक डटे रहे। आपको बता दें कि यहां मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों का साल व श्रीफल से सम्मान किया। वहीं शहीद वीर नारायण को भारत के वीर सपूतों व गरीबों की हितैषी वीर नारायण बताया। सिंह जी के कर्म भूमि और जन्म भूमि को नमन करने का अवसर मिला और इसको पर्यटन के रूप में विकसित हम लोग करेंगे। यहाँ भी आदमकद प्रतिमा लगेगी और जिला मुख्यालय में भी वीर नारायण सिंह जी के आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सर, परिजन लगातार नाराज रहे हैं सरकार से, चाहे बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो। मैंने बात की, अभी घोषणा की, इन परिवार के सदस्यों को 10,000 रुपया इन लोगों को पेंशन सम्मान निधि मिलना चाहिए।